कोतवाली हैदरगढ़ अंतर्गत एक नव युवक की बेरहमी से धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। उधर मृतक के परिजनों ने संदेह के आधार पर नामजद तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गाँव से जुड़ा है, जहाँ का सूरज रावत पुत्र विजय रावत बीती रात से गायब था। आज भोर में ग्रामीणों ने सूरज का शव खून से लथपथ झाड़ियों में देखा, जिसके सर पर गंभीर चोटों के निशान थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची हैदरगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है। उधर परिजनों की तहरीर पर हैदरगढ़ पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए जाँच प्रारंभ कर दी है। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा और जांच की जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार मृतक का एक माह पूर्व घर के सामने ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसे भी हत्या की कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि ग्रामीणों में प्रेम प्रसंग को भी लेकर चर्चाएं आम है। हैदरगढ़ बाराबंकी से राजेश पाठक की रिपोर्ट। पकड़ कर तभी बांके से काटे हैं, कुल्हाड़ी कुछ गर्दन कटी गई, गर्दन नहीं सर, पीछे चोट के निशान है, यहाँ है और नाक पर है और सर इसी तरह है कई जगह। हाँ, खत्म होने के बाद भी मारा है सर, उन्होंने किसी चीज की भड़ास निकाली उस पर। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए News 22 India, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।